साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं आलोक सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा में हुई अराजकता पर बोले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद, कहा दबाव में आकर ना करें जारी पास। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सर्व समाज सेवा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े का किया वितरण। और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का पावन शहीदी गुरु पर्व। पिछले दिनों लोकसभा में कुछ अराजक तत्वों द्वारा अराजकता फैलाई जाने के सवाल पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि माननीय सांसदों के लिए यह एक शिक्षा है, इसे हम चूक नहीं मानते। जिसे भी हम पास इशू करते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी व सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को हमें जानने और समझने की जरूरत है। दबाव में आकर हमें किसी भी व्यक्ति के पास इशू नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले के तार विपक्षियों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जल्द ही पुलिस इसका भी खुलासा करेगी। चुप नहीं है, व्यवस्था में चुप है। और नागरिकों का एक दबाव होता है जनप्रतिनिधियों के ऊपर कि हम नया लोकसभा नई राज्यसभा देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बनी है। हम लोग भी सांसद हैं, हम लोग के पास भी बहुत से लोग आते हैं कि हमको पास दिलवा दीजिए और हम देखने चले जाएं। और एक स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत बार ऐसा होता है कि जन दबाव में लोग पास के लिए अनुमति दे देते हैं। ये चूक नहीं है, ये एक शिक्षा है माननीय सांसदों के लिए कि हमें यह महसूस करना होगा कि उस भवन का महत्व कितना बड़ा है। और जब तक हम जिसको पास इशू करते हैं उसका सिक्योरिटी चेक न करा लें, हमें बिना सिक्योरिटी चेक कराए किसी व्यक्ति का पास इशू नहीं करना चाहिए। अन्यथा जो हुआ है वो बहुत पब्लिसिटी पाने के लिए काम किया गया है। मैं उसको आतंकवादी आक्रमण कहूँ न कहूँ ये तो पुलिस फैसला करेगी, लेकिन पब्लिसिटी के लिए आदमी आजकल कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब तो धीमे धीमे उनके संबंध कांग्रेस से, किसान आंदोलन से, तृणमूल कांग्रेस से अब स्पष्ट होने लगा है कि उन लोगों का संबंध राहुल गांधी जी से, ममता बनर्जी की टीम से और भाजपा विरोधी संगठनों से था। और सुनियोजित पद्धति से उन्होंने एक सांसद के उपलब्धता का और सहजता का दुरुपयोग किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्व समाज सेवा संस्थान द्वारा विगत 8 वर्षों से जरूरतमंदों में गर्म कपड़े व अन्य जरूरी सामानों का वितरण किया जाता है। इस वर्ष भी यह भव्य आयोजन समाजसेवी धीरज गुप्ता की देखरेख में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा महदीपुर में सैकड़ों जरूरतमंदों में गर्म कपड़ों का वितरण किया। वहीं संस्था द्वारा लगातार रक्तदान शिविर, जरूरतमंदों की मदद, अलाव की व्यवस्था सहित अन्य कार्य भी बढ़ चढ़ कर किए जाते हैं। इस अवसर पर पार्षद मनोज निषाद, डॉक्टर अविनाश राय, किट्टू ओझा, चिंटू ओझा, ओपी गिरी, अरुण पांडे, रुपेंद्र थापा, राजू तिवारी सहित बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोग मौजूद रहे। इधर से निकालते रहना, इधर कैसे निकल पाएंगे भैया? दो चार लोगों के एक बार पहले दे दीजिए, फिर आप लोग इधर देखे तभी।
आते रहिए भैया, तब मिल गया, निकले सबको मिलेगा, धक्का बंद यार सबको मिलेगा। आपको बेटा सुना इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया। नीरज गुप्ता जी इसके आयोजक होते हैं और मैं जानता हूं पिछले दसियों साल से इस काम को, सिर्फ कम्बली नहीं हर अवसर पे समाज को जहां जिस प्रकार की मदद की जरूरत होती है, ब्लड बैंक चलाना, अस्पताल में आर्थिक मदद करना, मरीजों के इलाज की व्यवस्था कराना, जाड़े में अलाव जलवाना, मोहल्ले में कहीं पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था करना, इस तरह के सारे काम ये करते हैं। इसलिए जब इन्होंने कहा तो मैंने अपनी सहमति दिया। ये बहुत पवित्र काम है, बहुत पूरे काम है और विशेष रूप से जब नौजवान करता है इस काम को तो और भी अच्छा लगता है। नौजवानों के अंदर एक सेवा का भाव है, ये अपने मन को उत्साहित करता है और एक नए और बेहतर भारत की कल्पना को और सजीव करता है। मैं नौजवानों की टीम को बहुत बधाई देता हूँ। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। रविवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर में श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का पावन शहीदी गुरु पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। बीते शुक्रवार को अखंड पाठ प्रारंभ किया गया था, रविवार को इसका समापन हुआ। भजन कीर्तन अरदास के साथ श्री गुरु तेग बहादुर को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। रोज अरदास करते हैं,
कि पिछले 15-20 दिन तो प्रचार करने के बावजूद भी इतना बोलने के बाद भी 12:30 तो 2 बजे तक तो दीवार है, 12:30 बजे तक ये संगत है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया। आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में शहीदों के सरताज हिंद की चादर नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व बहुत श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। हम लोगों ने शुक्रवार को श्री अखंड पाठ साहब का प्रारंभ हुआ था, सुबह आज समाप्ति हुई है। इस समय जो है भजन कीर्तन चल रहा है, 2 बजे अरदास होगी, उसके बाद गुरु का अटूट लंगर बनेगा। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी को शहीदी को नमन करते हैं, आप सबको उनको श्रद्धा अर्पित करते हैं, धन्यवाद। जसपाल सिंह अध्यक्ष, नीचे नाड़ी चेकअप का कैंप लगा हुआ है, जो नाड़ी द्वारा लोगों की निःशुल्क जाँच हो रही है। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा में हुई अराजकता पर बोले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद, कहा दबाव में आकर ना करें जारी पास। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने सर्व समाज सेवा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े का किया वितरण। और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का पावन शहीदी गुरु पर्व। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।